रही है जनाब जी। थैंक यू जनाब चेयरमैन। मैंने सर 5 जनवरी को रेकोडेक का मसला उठाया था और ये मुतालबा किया था कि इस ज़मीन में हाउस ऑफ द फेडरेशन को ब्रीफिंग दी जाए। और मैं मुत्तहिदा अपोजिशन का भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने इस ज़मीन में हमारे साथ भरपूर तावन किया और हमारे पे वॉकआउट और एहतजाज किया। तब से जनाब चेयरमैन यकीनन आप इस हकीकत से बखूबी वाकिफ़ हैं कि बलोचिस्तान के तूल अर्ज में रेकोडेक बचाओ तहरीक चल रही है। मेरे ख़्याल में कोई ऐसा ज़िला नहीं है जहां इस ज़मीन में एहतजाज। बाद में आपने बताया कि वज़ीर आला बलोचिस्तान को इत्तेमाद में लेकर आप रेकोडेक के हवाले से सेनेट की कमेटी ऑफ द होल का मीटिंग तलब करेंगे। तो सर मेरी आपसे गुजारिश है, ये नहायत हसास मसला है, इसकी वजह से जनाब चेयरमैन बलोचिस्तान में जो पहले ही जज्बात उबाल की हद तक पहुंच चुके हैं, सियासत पर नहायत मनफी असरात पड़ेंगे और हम रेकोडेक बलोचिस्तान की मिल्कियत है और हम अपने इस हक से कभी दस्तबरदार नहीं होंगे। मेरी सर गुजारिश है कि आप इस जमीन में जो आप सर वो यही फरमा रहे हैं कि ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है और हमारे पास है, हमने अपने प्रोविंशियल असेंबली पूरे को ब्रीफिंग दे दी है, तो मैंने इसलिए चुप किया सर कि शायद उन्होंने ये भी कहा कि हमने डॉक्टर मालिक साहब को भी बुलाया था उसमें। ये 100% गवर्नमेंट ऑफ बलोचिस्तान की वो कहते हैं चेयरमैन। आप सर मुहाफिज हैं। मैं बिल्कुल लोगों के हकूक का आपने मुझे कहा कि देखे ना प्रोविंशियल का था, तो इसलिए मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे बात की कि हमने सूबे में पूरे असेंबली को ब्रीफिंग दे दी है। तो अब आप कह रहे हैं कि यहाँ पे ब्रीफिंग हम अरेंज कराते हैं, मैं लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन कहता हूँ ये दोनों बुला लें कमेटी ऑफ होल, तो मैं उनको कहूंगा कि वो आके ब्रीफिंग दे दें। थैंक यू सर। थैंक यू जी। ऑनरेबल सेनेटर केशुबा।